डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फंक्शन से है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। नाउ लेट जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ। तो जी कैसा फंक्शन है, ये एफ का इनवर्स है और एफ डैश एक्स का वैल्यू आपको गिवेन है, ठीक है ना। तो एफ फंक्शंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये कुछ दिया हुआ है, एक्स पावर 10 एंड देन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक वैल्यू और दिया हुआ है कि जी ऑफ 2, इसका वैल्यू a है, तो आपको बताना है कि जी डैश 2 में वैल्यू क्या होगा, जी डैश 2 का वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ फंसते हैं, वो सबसे पहले एफ एक्स को कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, तो ये गलत अप्रोच है। यहाँ से अगर आप एफ एक्स इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर भी लेते हैं, फिर आपको जी एक्स कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जी जो है वो एफ एक्स का इन्वर्स है। तो यहाँ पर अगर आप जी एक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो सम्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रिक्स क्या है कि जब भी आपको दो फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव हो और जहाँ पर एक दूसरे का इन्वर्स है और कहीं ना कहीं एक का डेरिवेटिव गिवेन है, तो हमेशा आपको यूज़ करना है डेफिनेशन यूज़ करना है इन्वर्स का, कि जी और एफ ये कैसा फंक्शन है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो जैसे आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेंगे तो इसका वैल्यू एक्स आ जाएगा, और क्या होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका वैल्यू भी एक्स ही आता है, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट करना है जी डैश 2 में वैल्यू चाहिए, तो किसी एक फंक्शन से, किसी एक रिलेशन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कैसा हो जाएगा, जी ऑफ, तो मैं ये वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये सेकेंड वाला को, तो ये आएगा एफ डैश इनर फंक्शन जी एक्स इन टू, और जी एक्स का डेरिवेटिव जो है वो जी डैश एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो नाउ वी हैव जी डैश एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाय एफ डैश ऑफ जी एक्स, ऐसा कुछ आएगा। हम लोग को कैलकुलेट करना क्या है, जी डैश 2 चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं जी डैश एक्स की जगह में 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 बाई एफ डैश जी ऑफ 2। अच्छा, जी ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, जी ऑफ 2 का वैल्यू गिवन है a, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी डैश 2 का वैल्यू a है। अच्छा, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता है, अब इसी को कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट a में, तो ये आ जाएगा x का पावर, x की जगह आपको a लिख देना है, तो ये हो जाएगा a का पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a का पावर 2 a स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a पावर 10। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है, यहाँ पर असल में होता क्या है कि अपने सेंटर में बच्चे जो है क्वेश्चन कंटिन्यूसली सेंड करते हैं, जिसमें वो स्टक हो जाते हैं, तो उसी क्वेश्चन में से अच्छा क्वेश्चंस को मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे नाम दिया है, और उसी को जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो कल मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तो ये पहला क्वेश्चंस था, तो यहाँ पर ट्रिक्स आपको याद रखना है कि जब भी दो फंक्शंस आपको, ट्रिक्स यहाँ पर क्या है कि दो फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिक्स याद रखना कि दो फंक्शन दिया हुआ है और एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है ना, और एक का डेरिवेटिव गिवेन हो, आइदर एफ डैश और जी डैश आपको गिवेन हो, तो आपको क्या यूज़ करना है, डेफिनेशन यूज़ करना है, कॉम्पोजिट फंक्शंस का डेफिनेशंस। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे और डेफिनेशन यूज़ करके आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जी नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स, या एफ ऑफ एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स ले लीजिए आप, तो ये भी एक्स ही होता है, ठीक है ना। तो जी नॉट एफ, गॉफ और फॉग निकाल लीजिए, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है, तो यहाँ पर आपको एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।